For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इस दिसंबर गुड न्यूज तो सबके घर डिलीवर होगी, लेकिन गलत गलत एड्रेसेस पर. यस, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक. फाइनली गुड न्यूज आ चुकी है, यानी कि अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, कियारा अडवाणी और दिलजीत दोसांझ की गुड न्यूज का ट्रेलर रिलीज हो गया है. और क्या फाड़ू ट्रेलर है. जी हाँ, अक्षय कुमार इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड कि वो हर बार कुछ डिफरेंट और कुछ नया लेकर आए और क्या बेहतरीन लेकर आते हैं. वेल डेफिनेटली इट्स अ फैमिली कॉमिक ड्रामा जहाँ पर विद अ गुड मैसेज ये फिल्म जो है वो दिखाई जाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि ऑफकोर्स जो लोग कंसीव नहीं कर पाते, जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं बेबी, उनके लिए एक यू नो मोटिवेशन भी हो सकता है कि अलग अलग तरीकों से आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं. लेकिन उसके अलावा इस चीज़ को जितना फनी वे में गूफअप्स किए गए हैं, जैसा कि ट्रेलर में भी कहा गया है और पोस्टर्स में भी लिखा गया है, गूफअप्स आर बाउंड टू हैपन. सो इस ट्रेलर में इतने गूफअप्स हैं कि किसी का स्पर्म कहीं चला जाता है, किसी का स्पर्म कहीं चला जाता है, यानी कि पैकेज की डिलीवरी तो हुई है लेकिन गलत एड्रेस पर. यस, और चारों ही एक साथ धमाकेदार लग रहे हैं, ये तो कहना पड़ेगा. करीना कपूर खान को अक्षय कुमार के साथ वापस देखना, इट्स अ ट्रीट टू वॉच देम आफ्टर कम बैक इश्क डेफिनेटली, एंड तेरी मेरी कहानी ट्रैक ऑफकोर्स. लेकिन दिलजीत और कियारा की जोड़ी भी कुछ कम एंटरटेनिंग नहीं लग रही है. दोनों ये कपल्स भी उतने ही एंटरटेनिंग लग रहे हैं और ये कपल भी उतना ही एंटरटेनिंग लग रहा है. और जब ये गूफअप्स होते हैं तो जो बच्चे निकल कर आते हैं वो कितने दिलचस्प होंगे, ये कहानी में देखना बहुत दिलचस्प होगा हम लोगों के लिए. और 27 दिसंबर को ये फिल्म आ रही है. जी हाँ, राज ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, राज वर्मा, और 27 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, उस जिस जो कि क्लैश करने वाली है दबंग 3 से. जैसा हम सब जानते हैं, ऑफकोर्स दबंग 3 से ये फिल्म क्लैश करने वाली है, और क्योंकि दबंग 20 को आ रही है और 27 दिसंबर यानी कि क्रिसमस पर इस बार जो है ये फिल्म आप सबकी डोर स्टेप्स पर होगी और थिएटर्स में. लेकिन गलत एड्रेस नहीं होगा, थिएटर्स पे सही चीज़ की सही डिलीवरी ही होगी इस बार और सही प्रोडक्ट है. एक्टिंग वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं कियारा और दिलजीत जो है वो जोड़ी में एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत लग रहे हैं. और जहाँ तक बात है अक्षय कुमार और करीना कपूर की, इन्हें हम पहले भी साथ देख चुके हैं, लेकिन जितनी बार देखो उतनी बार ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगते हैं. बैकग्राउंड स्कोर, हालांकि ट्रेलर में मुझे बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा, ज़्यादा पावरफुल नहीं लगा. कॉमेडी वाइज ये फिल्म जेन्युइनली रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं अभी भी बोल सकती हूँ. लेकिन गाने ज़्यादा नहीं दिखाए गए यू नो ट्रेलर में. ओके, गाने तो वैसे भी रिलीज़ हो ही जाते हैं, बट ट्रेलर को देखकर इतना ज़रूर है कि हंसी ज़रूर आएगी. कॉन्सेप्ट 100 on 100 है कॉन्सेप्ट को, और साथ ही साथ स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की गई है. ऑफकोर्स क्योंकि अक्षय कुमार है फिल्म में, चारों इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं, तो देखना वाकई दिलचस्प होगा. मैं अपनी तरफ से इस ट्रेलर को विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली देना चाहूँगी 5 stars, क्योंकि ये धमाकेदार एंटरटेनमेंट फिल्म होने वाली है. विद फैमिली आप जाकर देख सकते हो. आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए कमेंट सेक्शन में जाके बताइए. ट्रेलर कैसा लगा बताओ कमेंट सेक्शन में जाके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ.